रहीम वेलकम टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू बायो ये कोर्स जो हमारा है ये आपका अभी uh, पहला यूनिट है और इसमें हमारे पास हम बायो और इसकी बेसिक्स uh, इसके अलावा इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च के हवाले से जो जो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं उन सबको पढ़ेंगे आपके कोर्स uh, करिकुलम के हिसाब से तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम स्टेटिस्टिक्स और बायोस्टेटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे उसके बाद हम इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोस्टेटिस्टिक पर बात करेंगे पॉपुलेशन सैम्पल पैरामीटर और स्टेटिस्टिक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंट डेटा कलेक्शन के सोर्सेस को डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स पे बात करेंगे और मेजरमेंट स्केल पे बात करेंगे ये एक सिनेरियो है एक हॉस्पिटल है जिसमें आप एज अ हेड नर्स या टीम लीडर काम कर रही हैं वहाँ पे आपसे हॉस्पिटल का जो सीनियर मैनेजर है वो पूछता है कि आप उन्हें एज ऑफ द पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन दें जो कि लास्ट ईयर हमारे पास जो है वो एडमिट हुए हैं और उनका कुछ स्पेसिफिक वो पैरामीटर दे दें कि भाई हार्ट डिजीज़ के साथ हैं या जो है वो ट्रामा के साथ हुए हैं या फिर जो है वो गाइडिंग के केसेस हैं या पीडियाटिक केसेस हैं और ये डेटा आपने पिछले जितना भी एक साल के मरीजों का एज के हवाले से है ये दो मिनट में आपको प्रेजेंट करना है कि इतने एज के मरीज़ हमारे पास आए मेल इतने थे फीमेल इतने थे और ज़ीरो से लेकर दस साल तक की एज के इतने मरीज़ थे उनकी इतनी परसेंटेज बन रही थी दस से बीस साल के इतने थे बीस से तीस साल के इतने थे उनकी परसेंटेज ये ये बन रही थी तो ये सारी चीज़ें आप कैसे ऑर्गेनाइज करके और कैसे कलेक्ट करके बताओगे ये एक टास्क है जो आपको मैनेजमेंट में से किसी ने दिया है और आपने एज अ टीम लीडर उनको ये डेटा प्रेजेंट करना है तो अब अगर आप इस पर सोचते हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये एक चार्ट आपको नजर आ रहा है जिसमें एक हॉस्पिटल का लास्ट ईयर का डेटा दिखाया गया है और उनके एजेस का यह वैसे आ, डमी चार्ट है रियलिस्टिक डेटा नहीं है और आपको जो दिखाया गया है कि पहले कॉलम में यहाँ पे वार्ड्स का जिक्र किया गया है कि ये वार्ड्स के नाम हैं B1, B2, A2, C1, C2 और प्राइवेट विंग वन प्राइवेट विंग टू नीचे सबसे एंड में टोटल का वो आपको बताया फिर दूसरा ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हुए हैं एक साल में हर वार्ड में दूसरे कॉलम में है वो पेशेंट जिनकी एज 15 साल से कम है वो जिनकी एज 15 से 45 साल के दरमियान है और वो जिनकी 45 साल से ज्यादा है तीन कैटेगरीज बनाई हर वार्ड का भी नंबर बताया गया और फिर उस एज के हिसाब से टोटल नंबर भी नीचे आपको एंड वाले रो में बता दिया गया है तो अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे नीचे रो में टोटल नंबर हर कैटेगरी के दिए गए हैं अब ये डेटा जो है इस ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे पास आ गया है इस चार्ट में हमने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया अब अगर आप देखें तो एज अ टीम लीडर आपने इसकी एक समरी बना ली और वो समरी हमें कहती है कि टोटल टू हॉस्पिटल लास्ट ईयर एंड थर्टी फोर पेशेंट वर एडमिटेड इन दॉस्पिटल लास्ट ईयर एंड द एना एज ग्रुप ऑफ 15 टू 45 इयर्स के पंद्रह मरीज जो है हमारे पास 15 से 45 साल की उम्र वाले वो एडमिट हुए थे 448 जो है ऐसे मरीज थे जो 45 साल से ज्यादा के थे और 107 ऐसे पेशेंट थे जिनकी 15 साल से कम एज थी ये तो आपने शॉर्ट समरी लिख ली अब इसको प्रेजेंटेशन में लाने के लिए आपको ग्राफ और चार्ट्स की हेल्प लेनी होती है सो so, अगर हम बॉक्स नंबर टू को देखें तो बॉक्स नंबर टू में हमारे पास जो है वो एक राउंडेड सर्कल में तीन कलर में दिख रहा है और ये तीन कलर कैटेगरी सामने बता दी गई हैं कि जो हमारे पास आ, जो लाइट जो वाइटिश कलर का एक वो है वो फिफ्टीन एंड उससे कम उम्र के मरीजों की तादाद बता रहा है परसेंटेज बता रहा है जो हमारे पास पर्पल कलर है ये 15 टू 45 फाइव ईयर्स का और जो हमारे पास ग्रीनिश कलर है ये 45 फाइव ईयर्स एंड अबव के एज वाले लोगों का दिखा रहा है इसी चार्ट को जब हम ग्राफ की शक्ल में नीचे थर्ड वाले बॉक्स में देखें तो इसमें हमारे पास आ, एक्स एक्सेस पे अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स का दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो उनके हर ग्राफ जो है वो नंबर ऑफ पेशेंट्स का बता रहा है ये परसेंटेज के हिसाब से है तो ये जो हमारे पास जीरो टू एटी का जो एक आपको स्केल नजर आ रहा है ये परसेंटेज है अब ये देखें तो ये इसका परसेंटेज यहाँ पे मैच कर रहा है तकरीबन फाइव परसेंट है ये देखें तो ये 75% परसेंट है और ये देखें तो ये तकरीबन 21, 22% परसेंट बन रहा है सो so, यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अब इस डेटा को कैसे मैनेज किया गया है तो चले आते हैं इस प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया कि कैसे उस टीम लीडर या हेड नर्स ने इसको सॉल्व कर लिया अब आते हैं और डिफाइन कर लेते हैं स्टेटिस्टिक को के स्टेटिस्टिक होती क्या चीज है सो so, स्टेटिस्टिक्स हमारे पास द साइंस ऑफ डेटा ठीक है डेटा के साइंस को कहा जाता है कि मतलब हम डेटा uh, को किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं और उनके कुछ पांच स्टेप में इसकी डेफिनेशन बताई गई है और वो ये है कि द साइंस ऑफ डेटा विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसकी कलेक्शन के साथ डील कर रही होती है जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें देन वी क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन एंड जब उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर लेते हैं देन वी समराइज़ द इंफॉर्मेशन और उन इंफॉर्मेशन को समराइज़ करके हम ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करने के बाद हम जो है उसको मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन में लेकर आते हैं उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि हमने उसको चार्ट्स में ग्राफ में और समरी में लेकर आ गए सो so, ये हमारे पास स्टेटिस्टिक के स्टेप्स हुए हैं सो so, यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई नीचे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है कि स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डीलिंग विद वेरिएशन इन द डेटा कि जो हमारे पास डेटा में चेंज होता है जाहिर सी बात है आपने एज के हिसाब से देखा कि कुछ लोग पंद्रह साल से कम उम्र के थे कुछ पंद्रह से 45 साल के थे और कुछ 45 से ऊपर के थे तो अब हर एक बंदी का एज जो है वो डिफरेंट है तो उनको हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है और इसी के बेस पे हमारे लिए आसानी बन जाती है कि जो डेटा में या इंफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती है उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ मर्ज करके आसान तरीके से प्रेजेंट करते हैं ठीक है इन इन सच अ वे टू ऑपटेन रिलायबल रिजल्ट मतलब ऐसे तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करें कि वो हमारे पास रिलायबल या यकीनी रिजल्ट्स लेकर आ जाए सो so, जब भी आपसे पूछा जाए कि डिफाइन स्टेटिस्टिक्स ये पेपर में क्वेश्चन आता है अक्सर तो आपने लिखना है कि द साइंस ऑफ डेटा कलेक्शन क्लासिफिकेशन समराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन इस कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स अब जी आते हैं और बात करते हैं बायो स्टेटिस्टिक्स की तो देखें स्टेटिस्टिक्स तो वही चीज है वही पांच स्टेप्स है इसके कि कलेक्शन हो गई क्लासिफिकेशन समराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट जो पहला वर्ड है बायो का तो इट मीन्स के व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजिकल और हेल्थ साइंसेज जब हम बायोलॉजिकल या हेल्थ साइंसेज में डेटा को कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइज़ करते हैं समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं तो उसको हम बायोस्टेटिस्टिक कहते हैं जो हम हेल्थ में कर रहे होते हैं या हम लाइफ साइंसेज में कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास लिविंग बींग्स का डेटा होता है उसको हम बायोस्टेटिस्टिक कहते हैं जो हमारे पास स्टेटिस्टिशन्स होते हैं मतलब वो लोग जो स्टेटिस्टिक्स को डील कर रहे होते हैं वो उनका काम क्या होता है उनका टास्क क्या होता है एक तो ये है कि दे गाइड द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और सर्वे प्रायर टू डेटा कलेक्शन कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं या सर्वे करते हैं तो उससे पहले जब हम डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है उससे पहले पहले हम डिज़ाइन चूज करते हैं कि किस डिज़ाइन से हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है क्योंकि वही डिज़ाइन हम सो so, हमारे पास यही डिज़ाइन हमें मेथड बता रहा होता है कि हमने किस तरीके से ये डेटा कलेक्ट करना होता है दूसरा ये है टू एनालाइज़ डेटा यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर एंड टेक्निक हम डेटा को एनालाइज़ करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर एंड टेक्निक्स के उसका डेटा कलेक्शन के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं अपने क्वेश्चन आयर्स होते हैं अपने टूल्स होते हैं इसको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने एक स्पेसिफिक एक ख़ास चीज़ के बारे में जो डेटा लेना होता है तो हम ऐसा डेटा लें कि सिर्फ उसी चीज़ को हम मेजर कर सकें ऐसा ना हो कि हम जो है डिवियट कर जाएँ डाइवर्ट कर जाएं अपने टास्क या ऑब्जेक्टिव से एंड तीसरा ये है कि यही स्टेटिस्टिशियन जो है वो डेटा को प्रेजेंट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को क्योंकि हमारे पास रैंडम नंबर जो है वो चीजों को मीनिंगफुल वे में नहीं बताती तो स्टेटिस्टिशियन का टास्क ये होता है कि उसको मीनिंगफुल वे में लेकर आ जाए सो so, हमें स्टेटिस्टिक्स पढ़ने की क्यों जरूरत है वो इसलिए क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे नंबर से डील कर रहे होते हैं हम मरीजों के वाइटल्स को देख रहे होते हैं वो भी सारे नंबर्स होते हैं हम उनके टेस्ट रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं वो भी बहुत सारे नंबर्स हैं हम जो है वो मेडिकेशन के डोजिंग को देख रहे होते हैं वो भी नंबर्स हैं हमारे पास मरीज़ों का हाइट वेट बी एम आई कैलरीज़ ये सारी चीज़ें जो हम अपनी केयर uh, प्रैक्टिस में डील कर रहे होते हैं ये नंबर्स में ही हैं तो हमने इन चीजों को अगर नंबर्स को समझ लिया तो हमें मरीज की केयर और जो उसे रिलेटेड रिसर्च है उसकी समझ होगी सो फॉर दैट रीजन वी डील विद द नंबर्स और स्टेटिस्टिक टू असेस एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट स्टडीज क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई होती हैं कि वो हमें डिफरेंट नंबर्स की सूरत में रिजल्ट बता रही होती हैं तो उन रिसर्चेस को समझने के लिए हमें स्टेटिस्टिक्स पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों के लेवल पे ये इसीलिए भी जरूरी है और जो साइंटिफिक पेपर होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्टेटिस्टिक पढ़नी चाहिए सिमिलरली अगर कोई खुद रिसर्च स्टडीज करना चाहें तो उनके लिए स्टेटिस्टिक का पढ़ना बहुत लाजमी बन जाता है अब कुछ बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है और सैंपल क्या चीज़ होती है देखिए पॉपुलेशन जो है वो आम लफ्स में हम जो है आबादी को कहते हैं लेकिन स्टेटिस्टिक्स में हम जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब यह है कि द सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटर ठीक है कि जो रिसर्चर यानी इन्वेस्टिगेटर जिस चीज में इंटरेस्टेड हो और उसमें जितनी भी चीजें आ रही हों उसको पॉपुलेशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक रिसर्चर है और वो इंटरेस्टेड है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में टीबी के पेशेंट्स की तादाद देखें तो वो वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टीबी के पेशेंट्स होंगे वो मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएंगे ठीक है और वो पॉपुलेशन होगी वो जितनी भी उस डिस्ट्रिक्ट में टीबी के पेशेंट हैं वो उनकी पॉपुलेशन होगी ठीक है और ये पॉपुलेशन जो है वो सिचुएशन और जियोग्राफिक लोकेशन uh, और डिफरेंट चीज़ों की वजह से इसमें वेरिएशन या चेंजेस होंगे क्योंकि जो टीबी के पेशेंट आपको पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे चलें टीबी के सिम्टम्स और सारी चीज़ें उनकी वैसे होंगी लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेटस है कल्चरल प्रैक्टिस हैं उनका लाइफ uh, वो सारी चीज़ें बीमारी पर डिपेंड कर रही होती हैं बीमारी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं सो so, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के पी के या बलोचिस्तान की किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिफरेंट मिलेंगे तो ये मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों जगह है टीबी लेकिन उसके साथ जो कंफाउंडिंग फैक्टर हैं या वो फैक्टर जो इस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं इसमें चेंज होगा सो so, आपकी क्लास है फॉर एग्जाम्पल और मैं इसमें से किसी की इंग्लिश स्पीकिंग uh, की कैपेसिटी uh, देखना चाह रहा हूँ कि इस क्लास की इंग्लिश स्पीकिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है तो आपकी जो पूरी क्लास है 50 लोगों की ये मेरा पॉपुलेशन होगा ठीक है क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आप सब में से ये चीज देखना चाह रहा हूं कि किसकी इंग्लिश स्पीकिंग कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी या कितनी परसेंट है ओवरऑल आपकी क्लास में तो आपकी पूरी क्लास को मैं पॉपुलेशन कहूंगा कुछ और एग्जाम्पल पॉपुलेशन की कि जैसे पूरे पाकिस्तान में जितने भी ख़ानदान हैं उनकी मंथली इनकम कितनी है हर खानदान की मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड हाउस होल्ड ख़ानदान को कहते हैं जो एक घर में रहते हैं फिर कराची में कितने जो ख़ानदान हैं ऐसे जिनकी फैमिली में लास्ट एक ईयर एक साल में किसी भी एक फैमिली मेम्बर की डेथ हुई हो तो वो लोग वो ख़ानदान कराची में रहने वाले जिनमें एक एटलीस्ट एक फीमेल मेंबर की डेथ हुई हो वो मेरा पॉपुलेशन है या नंबर ऑफ टी बी पेशेंट इन पाकिस्तान की मैं बात करूँ ये भी पॉपुलेशन है या वो तमाम पेशेंट जिन्होंने एक ख़ास क्लिनिक को एक स्पेसिफिक साल में एक स्पेसिफिक ईयर में विजिट किया हो वो मेरे पॉपुलेशन में आएंगे अब इसको सैंपल से कैसे डिफर करते हैं इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे अब सैंपल किसे कहते हैं जब हम एक पॉपुलेशन से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें और उसको हम स्टडी करें उसको हम सैंपल कहते हैं तो सैंपल इज एनी सबसेट ऑफ ऑल मेजरमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ये देखें पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट होता है ठीक है जबकि सैंपल जो है वो सबसेट ऑफ होता है सबसेट मतलब उसमें से सेलेक्टेड एक छोटा सा हिस्सा पॉपुलेशन में से सेलेक्टेड ठीक है सो so, इसकी अगर मैं मिसाल दे दूं तो एक बड़ा दायरा लें ये पूरा बड़ा दायरा जो है इसमें जितने भी हमारे पास जो है वो अगर डॉट्स हैं ठीक है तो ये इस दायरे के अंदर जो आ रहे हैं ये मेरा पॉपुलेशन कहलाएंगे लेकिन अगर इसमें से मैं इन सबको तो कवर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकेले बंदा हूं मेरे पास रिसोर्सेज कम है टाइम की कमी है तो इस वजह से मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा उठा लेता हूं और उस छोटे से हिस्से में मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं तो वो इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इस वजह से इस छोटे हिस्से को मैं सैंपल कहूंगा और इस बड़े हिस्से को या इस बड़े सेट को मैं पॉपुलेशन कहूंगा तो किसी भी पॉपुलेशन से हम जब रेंडमली जो है एक सैंपल उठा लें वो हमारे पास रैंडम सैंपल कहलाएगा और रैंडम सैंपल ही एक पॉपुलेशन की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है नाउ रैंडम का मतलब क्या है कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं उन 50 स्टूडेंट्स में से कहूँ कि आप एक लाइन में खड़े हों वन से स्टार्ट कर लें और जिस जिसके उस स्टूडेंट के पोजिशन पे फोर्थ का नंबर आएगा तो हर फोर्थ पोजीशन पे जो स्टूडेंट है वो अलग हो जाए जब वो अलग हो जाए मतलब एक पहला वाला सेलेक्ट होगा फिर फोर्थ वाला होगा फिर एट वाला होगा फिर ट्वेल्थ वाला होगा फिर सिक्सटीन पोजीशन वाला होगा सो so, इन को जब मैं एक साइट पे करके उनसे डेटा लूँगा तो ये रेंडम होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि थर्टी टू पोजिशन कौन आ रहा है या फोर्टी एट पोजिशन कौन आ रहा है सो so, इसको हम रेंडम सैंपल कहते हैं सो so सैंपल की एग्जाम्पल देखें कि वही जो हाउस होल्ड पूरे पाकिस्तान की सैलरी इनकम देख रहा था तो अब उसमें से पूरे पाकिस्तान में जितने भी खानदान है उनको कवर करना तो मुश्किल है तो उसमें से हम सपोज करके वन थाउजेंड हाउस होल्ड उठा लेते हैं और देखते हैं कि इनकी मंथली इनकम कितनी होगी तो ये पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ एक हजार उठा लिए तो ये उस पॉपुलेशन में एक की सेलेक्शन है ठीक है आँ... ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं इस सिनेरियो में आप इसको पढ़ लें और आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सैम्पल है और कौन सा हमारे पास पॉपुलेशन है ठीक है चलें इसको आप पढ़ लें मैं इसको स्क्रीन पे लगा रहा हूं चले अब आते हैं पैरामीटर और स्टेटिस्टिक की तरफ कि पैरामीटर क्या होता है और स्टेटिस्टिक क्या होता है सो so पैरामीटर जो है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर इन पॉपुलेशन के मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट था जैसे हमने बात की एवरेज हाउस होल्ड की इनकम कितनी है population. या इसमें से हम देख लें कि एवरेज हाउस होल्ड साइज परसेंट ऑफ हाउस होल्ड विद मॉडर्न सैनिटेशन एज रिपोर्टेड इन 1998 सेंसेस ऑफ कराची सो इसमें आप देखें कि इसमें आपको कोई स्पेसिफिक नंबर भी नहीं दिया दूसरी बात यह है कि ये एज अ होल बात कर रहा है और एवरेज हाउस होल्ड साइज की और परसेंट ऑफ हाउस होल्ड जिनके अंदर मॉडर्न सैनिटेशन सर्विसेज हैं तो ये देखें पूरे पॉपुलेशन का आपको एक पिक्चर दे रहा है पूरे पॉपुलेशन का डेटा आपको दे रहा है सो so, जो पॉपुलेशन का डेटा हमें दे रहा होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं सो इन सिंपल वर्ड पैरामीटर फॉर पॉपुलेशन एंड स्टेटिस्टिक्स फॉर सैंपल ठीक है इसको हम ऐसे याद करते थे कि जो हमें पॉपुलेशन का डेटा दे रहा होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं और जो हमें सैंपल का डेटा दे रहा होता है उसको हम स्टेटिस्टिक कहते हैं और यही चीज नीचे स्टेटिस्टिक में देखें कि वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर जिसमें वो सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मतलब सैंपल का डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा हूं जैसे एग्जांपल ये लें कि एवरेज होल्ड साइज एंड परसेंट ऑफ हाउस होल्ड एज रिपोर्टेड फ्रॉम सैंपल सर्वे ऑफ सिक्स थाउजेंड हाउस होल्ड तो इसमें आपको स्पेसिफिक नंबर भी दिया है और उनका बताया गया तो ये हम एक सैंपल uh, का डेटा प्रोवाइड कर रहा है इसीलिए हम इसको स्टेटिस्टिक कहेंगे ठीक है सो so, वो डेटा जो हमें पॉपुलेशन का uh, uh, की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम पैरामीटर कहेंगे और वो डेटा जो हमें सैंपल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो उसको हम स्टेटिस्टिक कहेंगे ठीक है जैसे कुछ एग्जाम्पल यहां देखें कि पैरामीटर है एवरेज मंथली इनकम तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इन कराची या ऑफ बी इन पाकिस्तान तो ये इंटरेस्ट पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी इंफॉर्मेशन ये हमें पॉपुलेशन में से निकाल के दे रहा है इसीलिए इसको हम पैरामीटर कहते हैं स्टेटिस्टिक को इफ टेकन फ्रॉम अ सैंपल ईच वन ऑफ द अब इस्टेटिस्टिक अगर हम इसमें कोई नंबर एड कर लें कि फाइव हंड्रेड हाउस होल्ड की मंथली इनकम या जो है वो वन थाउजेंड फैमिलीज जिसमें एक जो है एटलीस्ट वन स्पेशल चाइल्ड हो या फिर जो है हम बोलें कि फाइव हंड्रेड पेशेंट्स ऑफ टीबी इन पाकिस्तान तो ये हमारे पास स्टेटिस्टिक बन जाता है सो so, जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये हमारे पास दो ब्रांचेज में डिवाइड हुई है तो स्टेटिस्टिक को दो ब्रांचेज में जो डिवाइड किया गया है एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है इंफ्रेंशल इन दोनों को हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक and what is inferential statistic? Descriptive statistic utilise numerical and graphical method to find pattern in a data set, summarize the information and present information in convenient form. जो descriptive statistics होती हैं, ये हमारे पास जो भी डेटा होता है, इसको आसान तरीके से manage करती है, different patterns बनाती है, उसको summarise करती है और उसी डेटा को प्रेजेंट करती है इसमें हम जस्ट जो डेटा होता है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ठीक है बता रहे होते हैं मीनिंगफुल वे में फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मरीज है जिसके 24 घंटे हो गए हैं और वो 24 जो हमारे पास आवर्स हैं उसमें उसके जो वाइटल्स आ रहे हैं आपके पास जब कंसल्टेंट आके राउंड कर रहा होता है आपसे पूछता है कि बताएं ये इसकी कंडीशन कैसी थी तो आप वाइटल के चार्ट को देखते हुए कहते हैं कि ड्यूरिंग लास्ट 24 फोर ईयर्स वो आर्स पेशेंट जो है वो थ्रू आउट स्टेबल रहा ठीक है सिवाय एक एपिसोड के जहां पे उसको हाइपरटेंसिव एपिसोड हुआ था सो so, वो आप जस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक क्या जबकि जो इंफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक होता है इसमें भी यही चीज होती है कि हमारे पास सैंपल होता है उससे हम डेटा लेते हैं और उसमें हम जो है वो आ, रिजल्ट बताते हैं ऑर्गेनाइज करके लेकिन इसमें कोई प्रडिक्शन भी हो रही होती है इस्टीमेशन कर रहे होते हैं अंदाजा लगा रहे होते हैं या कोई मफरूजा हाइपोथेसिस देते हैं और उसको टेस्ट कर रहे होते हैं ठीक है सो so, इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं होती इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट बता रहे होते हैं कि यही प्रीवियस एग्जांपल के आप देखें कि मरीज़ जो है आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट है उसको 48 एट आवर्स हुए हैं या चले वही 24 फोर आवर्स हुए हैं ट्वेंटी फोर आवर में जो दो पहले शिफ्ट थे वहाँ पे मरीज़ बार बार हाइपर हो रहा था लेकिन एक शिफ्ट में उसको एंटी हाइपर मेडिकेशन दी गई तो जब कंसल्टेंट राउंड पे आया तो आपसे पूछा कि बताएं इसके हाइपरटेंशन की कंडीशन के थ्रू आउट क्या रहा 24 फोर आवर तो आप उसको देख के ये कहती हैं कि सर ये पिछले दो शिफ्ट में जो है वो अनस्टेबल था बिकॉज इसकी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन नहीं थी लेकिन जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन तीसरे शिफ्ट में दिया गया तो थ्रू आउट थर्ड शिफ्ट ये पेशेंट स्टेबल रहा और कोई हाइपरटेंशन या इस तरह का स्पाइक रिपोर्ट नहीं हुआ तो ये आप उसको रिलेट कर रहे हैं और मेडिकेशन के साथ या फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर में कहते हैं कि अगर हम इस मरीज को मेडिसिन पर रखेंगे तो ये सेफ रहेगा रिलेटिवली इसको हाइपरटेंशन नहीं होगा इसको कहते हैं इंफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक मतलब एक में हम डिस्क्राइब करते हैं दूसरे में हम डेटा के बेस पे फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं कि अगर फलां चीज ऐसी होगी तो उसके रिस्पॉन्स में फलां चीज ऐसी होगी या एक चीज दूसरे पे कैसे इफेक्ट कर रही है ये हम इंफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में कहते हैं और ये याद रखें कि इंफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में जब हम सैंपल से डेटा उठाते हैं तो वो जो रिजल्ट होते हैं वो सैंपल का हमें पूरा एक प्रोवाइड कर रहा होता है डेटा लेकिन उस डेटा के बेस पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो हम पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं जैसे हमारे पास हमने टीबी पेशेंट्स की बात की तो अगर हम कहें कि टीबी पेशेंट्स जो है वो अपनी डाइट बेहतर कर लें और अपनी मेडिकेशन में कंप्लाइंस बेहतर रखें मतलब यह है कि अपनी मेडिसिन का टाइम जो है वो मिस ना करें तो वो जल्दी ऐसे ट्रीट हो जाएंगे कि दोबारा उनको टी जो है रिलैप्स नहीं होगा अब ये आप एक ख़ास सैंपल यानी 1000 लोगों की बात को पूरे पॉपुलेशन एक लाख लोगों पे अप्लाई कर रहे हो बिकॉज आपने इस्तेमाल और इसमें वो डेटा आपको बता रहा है ये 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 चीज चीज जबकि में आपको ये ये नहीं बता रहा होता अभी बात करते हैं वेरिएबल और डेटा की कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज डेटा वेरिएबल हमारे पास उस कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन को कहते हैं द वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक में वेरी एमोंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन के जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो टीबी के पेशेंट की मिसाल हमने ले ली तो इसमें उनकी एज तो एज आपके पास एक वेरिएबल है जेंडर जेंडर आपके पास दूसरा है कुछ मेल भी हो सकते हैं कुछ फीमेल भी हो सकते हैं फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के कोई एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है या जो है वो आ, मैरिटल स्टेटस आप देख लें कि सिंगल है मैरिड है विडोड है सेपरेटेड है तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई जो डिफरेंट स्टेटस बता रही होती है उसको वेरिएबल कहते हैं ये हर बंदे का अलग अलग होता है जैसे एज हो गई तो हर यूनिट का या हर इंडिविजुअल बंदे का एक पॉपुलेशन में जहर सी बात है एज अलग अलग होगी ठीक है सिमिलरली जो है कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा कोई सिंगल होगा कोई मैरिड होगा तो ये जो आपको एज का जितना लोगों का बता रहा है या फिर जो है मेरिटल स्टेटस का बता रहा है या फिर एजुकेशन स्टेटस का बता रहा है ये इसको आप कहते हैं वेरिएबल ठीक है, है। दूसरा देखें डेटा के बारे में तो डेटा हमारे पास जो है द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड फॉर वेरिएबल अब हमने एक हजार लोगों की एज नोट कर ली ठीक है तो वो जब इंडिविजुअल की नहीं जब कलेक्शन सारे लोगों का जो इंफॉर्मेशन है किसी भी एक वेरिएबल का जैसे एक हज़ार लोगों की एज एक हज़ार लोगों का मेरिटल स्टेटस एक हज़ार लोगों का हमारे पास जो है वो एजुकेशन uh, स्टेटस या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तो ये अब कलेक्शन हो गई इन सारे यूनिट्स uh, की और वो एक ही चीज़ के बारे में हमें बता रही होती तो इसको हम डेटा कहेंगे सो so, वेरिएबल जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी का बता रही हो जैसे एज का या वो हम ये तो नहीं कह सकते ना किसी के एजुकेशन स्टेटस को हम उसकी एज का तो नहीं कह सकते क्या अगर इसने यूनिवर्सिटी पढ़ी है तो ये इतने साल का है ये तो नहीं कह सकते सो so एज जो है वो दूसरे वेरिएबल यानी एजुकेशन स्टेटस से अलग है ठीक है जबकि ये सारा जब सैंपल या पॉपुलेशन में से एक ही चीज के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली दे तो उसको हम डेटा कहेंगे सो so, कुछ हमारे पास सोर्सेज होती हैं डेटा कलेक्शन की जिसमें एक हमारे पास है नेचुरल ऑब्जर्वेशन के जिसमें हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या होती है आप जैसे वार्ड में शिफ्ट के स्टार्ट में राउंड करते हो ठीक है तो आप देखते हो कि मरीज ओवरऑल कैसे दिख रहा है नीट एंड क्लीन है बेडिंग उसकी सही है वार्ड का माहौल साफ़ सुथरा है उसको मेडिकेशन चल रही है मरीज़ बेहोश है जी कितना है या कॉन्शियस है या जो है वो डिपेंडेंट है या ख़ुद वॉशरूम वगैरह तक जा सकता है तो ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है सो so, ये आप जब फील्ड में निकलते हो और आप नेचुरली लोगों को सराउंडिंग्स को विदाउट इंटरफेरेंस जो है वो ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहे हो चीज़ों को उसको कहते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन तो इससे भी आपको डेटा मिल रहा होता है आपको मरीज़ की कंडीशन का पता चल रहा होता है ये भी एक डेटा सोर्स है दूसरा ये है सर्वे क्या आप डिफरेंट फॉर्म्स फिल करते हो ठीक है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल आप किसी को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हां आप जैसे आपने वाइटल चार्ट लिया मरीज का बीपी आपने नोट कर लिया तो बीपी तो आपका कंट्रोल नहीं है सो so, जो बीपी जैसा होगा आपने एक रूल के हिसाब से उस चार्ट में उसको डॉक्यूमेंट करना है या टेम्परेचर जितना है है तो अगर चार्ट आपसे सेंटीग्रेड में मांग रहे हैं तो आपने उसमें लिखना है फॉरन हाइट में मांग है। तो हैं सर्वे so, का मतलब यह है कि इसमें भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन लेकिन इसमें हमारा कंट्रोल भी नहीं होता दूसरा यह है कि हम एक खास रूल के बेस पे ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तीसरा ये केस स्टडी केस स्टडी एक अनयूजल इंडिविजुअल जो है इंटेंसिवली स्टडी किया जाए तो उसको केस स्टडी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मरीज आया वार्ड में और उसको जो है वो आ, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप नहीं था ना ए था ना बी था ना ओ था पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही छोड़ दे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आ, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप उसको कहते हैं उसका नाम बता दूं। या कोई आपके पास एक पेशेंट आया जिसको हार्ट कैंसर था दिल का कैंसर तो अब ये बहुत रेयर केसेस होते हैं अब जब आप उसी एक मरीज को बहुत इंटेंसिवली बहुत डीपली स्टडी करते हैं उसको केस स्टडी कहते हैं और ये भी आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम कंट्रोल और हमारे पास मोडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट को कि आपके पास जो है एक वार्ड है और इसमें आपके पास मरीज हैं एक मरीज एक हिस्सा आप वार्ड का अलग करके उसमें जो 25 मरीज हैं आप ये करते हो कि उनको आप नेचुरल सराउंडिंग में छोड़ देते हो वार्ड जैसे जिस हालत में है मतलब जो पहले से प्रैक्टिस हो रही होती है उस पर दूसरे हिस्से को आप जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं कि विज़िटर टाइमिंग के अलावा नहीं आएंगे और जो है यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल के हिसाब से होंगे और फिर आप कुछ अरसे बाद देखो कि वार्ड के किस साइड पे जो नॉर्मल चल रहा था वहां इन्फेक्शन कंट्रोल रेट ज्यादा है या जहां पे कंट्रोल्ड एनवायरमेंट था वहां पे तब ये दोनों आप मैच करके उसको कंपेयर करके देख रहे होते हो इससे जो आप डेटा ले रहे होते हो इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्योंकि आपने एक साइड को कंट्रोल कर लिया दूसरा वैसे ही चल रहा था नॉर्मली क्योंकि आप उसको कंपेयर कर रहे होते हो कंट्रोल कर मतलब एज़ अ कंट्रोल यूज़ कर रहे होते हो कि जब मैं एक नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करूँगा वहाँ से जो मुझे रिजल्ट आएंगे तो उसको मैंने किसी चीज़ के साथ कंपेयर तो करना है तो जो पुराने प्रैक्टिस चल रहे हैं उसके साथ कंपेयर करके देख लूँ कि अगर मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल रेट कम करना है तो एक साइड पर मैंने कहा कि जो स्टाफ है वो हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंटली करेगा सफाई फ्रिक्वेंटली होगी मरीज को जब हैंडल uh, कर रहे होते हैं तो एसेप्टिक टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे जबकि दूसरे साइड पर रेगुलर चल रहा होता है सो so, दोनों साइड का आपने डेटा लेके कंपेयर कर लिया और देख लिया कि कौन से उसमें जो है हमारे पास बेहतरी आई है तो इस टाइप का जो डेटा कलेक्शन होता है इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्शन कहते हैं ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आपने आइडेंटिफाई खुद ही करना है कि कौन सा सर्वे है और कौन सा एक्सपेरिमेंट है ठीक है आप इसको पढ़ लें और इसका जवाब आप सर्च कर लें अच्छा जी अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डेटा के कुछ टाइप्स हैं और उस पर बात कर लेते हैं जो डेटा के हमारे पास टाइप हैं एक टाइप को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा और एक को क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं क्वांटिटेटिव निकला क्वांटिटी से है जिसको हम मेजर कर सके ठीक है सो so, वो डेटा जो के हमारे पास नेचुरली अक्रिंग फॉर्म उसकी नूमेरिकल हो मतलब यह है कि किसी नूमेरिक में नंबर्स में आ, हम उसको रिपोर्ट कर सके या काउंट कर सके उसको क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं जैसे एज हो गया ठीक है तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव जैसे बीपी सिस्टोलिक डायस्टोलिक के नंबर हो गए तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है जबकि क्वालिटेटिव डेटा जिसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें और कैटेगरीज के बेस पे उसको हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन उसको हम किसी कैटेगरीज में ला के फिर मेजरमेंट के फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा उसको ठीक है नेचुरली वो मेजरमेंट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ग्रुप हो गए सही है Uh, जैसे जेंडर हो गए जेंडर को तो आप पैमाने पे नाप नहीं सकते ना कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा उसको आप दो ग्रुप्स में डिवाइड करिए फिर आप ही उसको काउंट कर सकते हैं सिमिलरली रिलीजन हो गया मुस्लिम है क्रिश्चियन है हिंदू है सिख है तो ये भी आपको ऐसा डेटा आपके पास आएगा तो आप उसको क्लासीफाई करोगे एक और चीज़ के क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है नंबर्स में क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव होता है वर्ड्स में होता है ठीक है अल्फाज की फॉर्म में होता है तो ये मेन डिफरेंस है पेपर में भी आ सकता है आप इसको समझ लें कुछ स्केल्स की बात कर लें कि हमारे पास अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के स्केल्स इस्तेमाल होते हैं स्टेटिस्टिक्स में तो जो क्वालिटेटिव डेटा के स्केल्स होते हैं जैसे हमने बताया कि उसमें कैटेगरीज बनती है तो एक उसमें है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल और दूसरा है नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल किसे कहते हैं ये ऑर्डिनल के वर्ड से निकला है ऑर्डर ऑर्डर ठीक है डेटा कैन बी प्लेस्ड इन कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज बना लें जो एक ऑर्डर शो करे और डेटा कैन बी रैंक्ड और इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर्ड फॉर्म किसी ऑर्डर फॉर्म में उसको जैसे रेटिंग स्केल हो गया जैसे uh, मैं उसको बोलूँ कि पिज्जा uh, के साइज़ देख लें स्मॉल मीडियम लार्ज ठीक है या फिर हम जो है वो गुड बेटर बेस्ट इस तरह के स्केल देख लें या फिर मैं कहूँ कि uh, जो हाइट के हिसाब से अगर हम बोलें कि डॉर्फ है फिर मीडियम हाइट है फिर टॉल है सो ये ऑर्डर की फॉर्म में है मतलब एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है और इस डेटा को हम ऑर्डर फॉर्म में लेकर आते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा जबकि नॉमिनल जो होता है वो इसके नाम से भी नेम से निकला है, जो हमें किसी नेम का बताए जैसे इसमें हम कैटेगरीज में इसको रैंक नहीं कर सकते लेकिन जो हमारे पास डेटा होता है ये आ, हम उसको आ, नाम के फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं ठीक है मतलब उसके ग्रुप्स बना रहे होते हैं और उससे उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे मेल और फीमेल हो गया तो मेल का ग्रुप अलग फीमेल का ग्रुप अलग तो ये नाम है सिमिलरली सब्जेक्ट हो गए जैसे इंग्लिश हो गया या रिसर्च हो गया बायोस्टैट हो गया या आपका सी हो गया तो ये सब्जेक्ट्स हैं इसको हम ऑर्डर में नहीं रख सकते ये नहीं कह सकते कि रिसर्च इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सी या इंग्लिश इज़ लेस इम्पॉर्टेंट देन रिसर्च ठीक है हर एक की अपनी वैल्यू है और इसी लेकिन इंग्लिश को हम इंग्लिश ही कहेंगे उसको हम रिसर्च नहीं कह सकते रिसर्च के सब्जेक्ट को हम सीसीए नहीं कह सकते सो so, इसीलिए ये हम इसी नाम के बेस पे उसको क्लासिफाई करते हैं जबकि जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है इसमें हमारे पास अपने स्केल्स हैं इसमें एक हमारे पास है इंटरवल स्केल और दूसरा है रेशियो स्केल इंटरवल स्केल डेटा जो है वो डिफ्रेंसिस बिटवीन वैल्यूज़ हैव मीनिंग जो इसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना वो होल नंबर होते हैं ये याद रखें कि इंटरवल स्केल में हमारे पास नंबर्स होल नंबर होते हैं जैसे अगर मैं बोलूँ वन और टू तो वन को मैं टू नहीं कह सकता टू को मैं वन नहीं कह सकता ये एक अलग अलग नंबर है इसमें कंटिन्यूटी ये बीच का कुछ नहीं है ठीक है तो एक इंटरवल है एक गैप है इसमें तो इसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं और इसमें आर्बिट्ररी जीरो होता है मतलब यह है कि जो हमारे पास जीरो है उसकी की वैल्यू है अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें कि यार आज तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो क्या इसका मतलब टेम्परेचर बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कर रहा होता है लेकिन वो सेंटीग्रेड में जीरो है फॉरन में तो फिर भी थर्टी टू है थर्टी टू फॉरन का है सही है सो so, इसमें जीरो का मतलब कि जीरो की भी कुछ वैल्यू होती है ठीक है जैसे टेम्परेचर हो गया जीरो फॉरन है के कोई टेम्परेचर नहीं है बल्कि सेंटीग्रेड में तो उसकी वैल्यू है या अगर किसी का आई क्यू टेस्ट जीरो स्कोर आ रहा है तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो बिल्कुल निल है उसके अंदर अकल ही नहीं है और ये बात याद रखें कि इंटरवल में आ, मतलब एक गैप होता है जबकि रेशो स्केल जो होता है सो रेशो में जो हमारे पास वैल्यूज आ रही होती है इसके दरमियान भी कुछ वैल्यूज होती हैं जिसका कुछ मतलब होता है ठीक है और अगर तो कोई वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब कि उसकी कोई वो वो जीरो ट्रू जीरो होता है जीरो ट्रू जीरो होता है इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं सब मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हाइट की मैं बात करूं तो मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट की जीरो हाइट है तो मतलब उसकी तो हाइट ही नहीं है ना वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अगर मैं कहूं कि फला ऑब्जेक्ट जो है फला चीज जो है उसका वेट जीरो है तो अब चाहे उसको किलोग्राम में मैं देखूँ ग्राम में देखूं मिलीग्राम में, मिली में देखूं टन में देखूं तो वो जीरो ही होगा क्योंकि वेट है ही नहीं तो जो जीरो है वो ट्रू जीरो है एज अगर मैं कहूं कि कोई पैदा ही नहीं हुआ उसकी एज जीरो है इसका मतलब उसकी उम्र ही नहीं है ना ठीक है बेबी जब माँ की पेट में होता है तो उसकी भी गेस्टेशनल एज होती है सो वो भी जीरो नहीं होता लेकिन जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया होता तो उसको तो हम जिंदा नहीं कह सकते उसकी एज हम नहीं कहते सो रेशो स्केल में जो जीरो होता है वो ट्रू जीरो होता ये है ये एग्जाम्पल हैं आप देख लें इसको और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं ठीक है सो so, आज जो हमने स्केल्स uh, की समरी पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूं कि एक डेटा होता है डेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है जो क्वालिटेटिव है इसमें हमारे पास दो हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल जबकि क्वांटिटेटिव जो है इसमें हमारे पास दो मेन है इंटरवल और रेशो तो हमने इंटरवल और रेशो तो पढ़ा अब रेशो में दो रहते हैं डिस्क्रीट और कंटीन्यूस इसमें फ़र्क यह है कि डिस्क्रीट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता जैसे 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 पॉइंट वन ये कंटिन्यूस में होता है सो डिस्क्रीट में हमारे पास ये डिसिमल नहीं होता जबकि कंटीन्यूस जो है उसमें डिसिमल होता है जैसे 2.5, 1.9, 2.3, जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा होता है ये हम कंटिन्यूस में काउंट कर देते हैं सो so, ये जो है आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं आप इसमें से देख लेंगे कौन सा क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वान्टिटेटिव है और फिर आप अपने जवाब जो है बता सकते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे आ, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आ, बाकी आज का लेक्चर इतना ही अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच